नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ एड टीचिंग पे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज चल रही है और यह पार्ट 5 है, और अगर आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों वह बहुत काम की है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MS PowerPoint के कुछ प्रश्न, क्योंकि दोस्तों आप पिछले वाले कुछ पेपर उठा के देख सकते हो, उनमें 3 क्वेश्चन हर बार MS PowerPoint में से आई हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके 6 नंबर कहीं पे गड़बड़ हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ हैक टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन पावर पॉइंट से हैं। ओके, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ब्लिंक्स ट्रायंगल, डिसॉल्व, फेड थ्रू ब्लैक, ब्लाइंड वर्टिकल। आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। ओके, इसका आंसर है ब्लिंक्स ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम चयन करते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आपने MS PowerPoint में नई स्लाइड लेनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल F। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस M। दोस्तों यह शॉर्टकट नई स्लाइड लेने के काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्लाइड शो को देखने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि अगर आपने MS PowerPoint में स्लाइड शो शुरू करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? ऑप्शन आपके सामने है, F1, F2, F3, F10। आंसर F5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित फिल इफेक्ट में से किसे आप स्लाइड के बैकग्राउंड के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों नीचे ऑप्शन के अंदर कुछ फिल इफेक्ट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज होने के लिए बना है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी इफेक्ट आप किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंटेशन के किसी भाग में चार्ट रिक्तस्थान के प्रयोग में रखा जा सकता है, यानी कि दोस्तों अगर आपने MS PowerPoint में चार्ट इंसर्ट करना है तो आप इनमें से कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे? इंसर्ट के अंदर चार्ट पे जाना है, इंसर्ट के अंदर पिक्चर के अंदर चार्ट में जाना है, एडिट के अंदर चार्ट में जाना है, या फिर व्यू के अंदर चार्ट में? ओके, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है इंसर्ट में चार्ट, यानी कि दोस्तों इंसर्ट टैब के अंदर और चार्ट ऑप्शन होती है, वहां से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा साउंड फाइल का प्रकार है, यानी कि आपको देखना है इनमें से कौन सा साउंड की फाइल का प्रकार है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पढ़िए, लॉग फाइल, डेट फाइल, WAV फाइल, DRB फाइल। इसका आंसर है दोस्तों WAV फाइल। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, टेक्स्ट, पिक्चर या ऑब्जेक्ट को दर्शाने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्लेस होल्डर, आउटो टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसके माध्यम से हम MS PowerPoint की जो स्लाइड होती है उसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है प्लेस होल्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विकल्प वर्तमान स्लाइड के साथ एक नई स्लाइड शो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन इन्हें एक अलग क्रम में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए, रिसर्सल, कस्टम स्लाइड शो, स्लाइड शो सेटअप, स्लाइड शो व्यू।
आंसर कस्टम स्लाइड शो। यानी कि दोस्तों कस्टम स्लाइड शो के अंदर आप चुन सकते हो, जैसे कि आपके पास 10 स्लाइड हैं, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी स्लाइड है वो शो करवानी है। जैसे कि 10 स्लाइड में से आप जैसे कि 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इतनी स्लाइड अलग से सिलेक्ट करके और उनको अलग से कंटिन्यू क्रम वाइज शो कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रिक्तस्थान ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। ऑप्शन आपके सामने है वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, प्लस चिन्ह, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्लिप आर्ट। यानी कि दोस्तों क्लिप आर्ट को आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और क्लिप आर्ट की ऑप्शन जो होती है वो एमएस पावरपॉइंट के इंसर्ट टैब के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करना बहुत आसान एवं किसी भी विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है, तो आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। इसका आंसर है सही। जी हाँ दोस्तों, एमएस पावरपॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन देने के लिए ही बना है और इसका उपयोग है वो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पावरपॉइंट में बिल्ड इफेक्ट स्लाइड के कंटेंट का एनिमेशन होता है, तो दोस्तों यह बात सही है या फिर गलत है। आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जब आप पावरपॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन 1 के नाम से नॉर्मल व्यू में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखते हैं, सही है या गलत है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। यानी कि दोस्तों जब भी आप एमएस पावरपॉइंट को स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई देगी और एक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी और वो नॉर्मल व्यू के अंदर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एनिमेशन आपकी स्लाइड के लिए विशेष दृश्य या साउंड इफेक्ट प्रदान करता है, तो बताइए यह बात सही है या फिर गलत है। आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किनारे पर स्थित साइजिंग हैंडल का उपयोग केवल ऊंचाई और चौड़ाई को संतुलित करने के लिए किया जाता है, तो बताइए सही या गलत। इसका आंसर है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को रिक्तस्थान कहते हैं, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजेक्शन, प्रेजेंट एनिमेशन। आंसर कस्टम एनिमेशन। ओके दोस्तों, और एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रिक्तस्थान टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित होता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू रहती हैं, तो दोस्तों बताइए वो कौन सी ऑप्शन होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, जैसे कि होम बटन है, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन। आंसर क्विक एक्सेस टूल बार। जी हाँ दोस्तों, और यह जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है इसमें आप सेव, अंडू, रिडू, इसके अलावा और भी बहुत सारी कमांड इसमें ऐड कर सकते हो और जो पहले ऐड होती है उनको रिमूव कर सकते हो। और यह दोस्तों एमएस ऑफिस के सभी प्रोग्राम में होता है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट में तो ये होता ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रिक्तस्थान वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज। आंसर स्लाइड शॉर्टर व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में स्लाइड डिजाइन के लिए टूल होती है, यानी कि दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में अगर हम किसी स्लाइड को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए टूल होता है, यह बात सही है या गलत है। आंसर गलत।
क्योंकि दोस्तों स्लाइड को डिजाइन करने के लिए इंसर्ट टैब में कोई टूल नहीं होता है, इसके लिए एक अलग से टैब दिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो लीकी स्थान का उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थान को परिवर्तन कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट स्पेस व्यू। आंसर स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस व्यू के अंदर आपको सभी स्लाइडें आपके डेस्कटॉप के अंदर दिखाई देती हैं एक साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मुख्य एडिटिंग व्यू है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट स्पेस व्यू। आंसर नॉर्मल व्यू, यानी कि दोस्तों एमएस पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल के अंदर वो नॉर्मल व्यू में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आउटलाइन टैब आपको स्लाइड, स्लाइड टेक्स्ट, तस्वीर, टेबल, चार्ट और फिल्मों जैसे एलिमेंट की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, तो बताना है यह बात सही है या गलत है। आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। करंट स्लाइड का नोट पेज किस कमांड से प्रदर्शित होता है? नोट्स पेज, न्यू पेज, नोट्स न्यू, इसमें से कोई नहीं। आंसर नोट्स पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गाइडेंस कमांड का कार्य है हॉरिजॉन्टल गाइड को दर्शाना, वर्टिकल गाइड को दर्शाना, गाइड्स को छिपाना, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी, यह सभी कार्य गाइडेंस कमांड के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रूलर स्लाइड्स किस ओर प्रदर्शित होती है? ऊपर, नीचे, ऊपर और बाएं, ऊपर और दाएं। आंसर ऊपर और दाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्लाइड में टेबल जोड़ने की कमांड रिक्त स्थान है टेबल, न्यू टेबल, इंसर्ट टेबल, उपयुक्त सभी। आंसर टेबल। ओके दोस्तों, एंड इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हैज लाइफ आई टीचिंग लिख के जाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक और बात, अगर आप एक RSCT स्टूडेंट हो तो लर्न RSCT वेबसाइट है एक, जहां पे आप जाके कंप्यूटर की स्टडी कर सकते हो, यानी कि ओनली RSCT की। वहां पे आपको RSCT के ओल्ड पेपर, टेस्ट पेपर और भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।